हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पोको M4 5G के बारे में। और इससे पहले जो है पोको M4 Pro 4G एंड 5G दोनों ही लॉन्च हो चुका है। और ये जो फ़ोन है ना, एक बजट में आपको काफ़ी अच्छा सा फीचर के साथ देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँ कि ये फ़ोन जो है 4GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज के साथ अवेलेबल होता है। और इसका जो प्राइस है ना, 12,999 में रखा गया, मतलब कि 13,000 में आपको 5G स्मार्टफोन देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस फोन की अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, आप वीडियो पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फाइनली यहाँ पे एक पाउच मिलता है, पोको का ब्रांडिंग मिलता है। और फाइनली मैं इसे यहाँ पे अनरैप करूँगा तो सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, कुछ सिलिकन केस मिलता है और डॉक्यूमेंट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सिलिकन केस को थोड़ा चेकआउट करते हैं। तो इस केस को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि ये फ़ोन जो है यहाँ पे किस तरीके के कैमरा मॉड्यूल के साथ देखने को मिलता है। फाइनली यहाँ पे फ़ोन रखा मिलता है, इसे भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। और इसके साथ आने वाला जो बॉक्स कंटेंट है, इस सबको चेकआउट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे USB 2 टाइप सी का डेटा केबल अवेलेबल करा गया है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से 22.5 वाट का ट्रेबल अडेप्टर अवेलेबल करा गया। और गाइज, इस फ़ोन को भी थोड़ा यहाँ पे हम लोग अनरैप करेंगे। तो फाइनली ये जो फ़ोन है, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में पिक करा है। इसका पूरा नाम है कूल ब्लू। और आप देख सकते हो ये फ़ोन डुअल कैमरा के साथ लॉन्च करा गया है। इसका जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है और पोको का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो फ़ोन है, पूरा बिल्ड अप फिनिश प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और साइड से यहाँ पे फ्लैट रिंग यूज करा गया, लेकिन ये भी यहाँ पे प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। ऐसे तो कहा गया कि फ़ोन लाइट वेट है, बट इसका जो टोटल वेट रखा गया यहाँ पे 200 ग्राम का मिलता है। और जो थिकनेस है ना, यहाँ पे 8.9 mm का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी यूज करा गया है। और ये जो फ़ोन है, यहाँ पे 100 आप बिल्कुल ही नहीं कह सकते हो। और गाइज, यहाँ पे IP52 का रैश प्रूफ देखने को मिल जाता है। और गाइज, अब बात कर लेते हैं इस फोन की फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले टॉप साइड की बात करेंगे तो 3.5 mm का जैक और यहीं पे आयर ब्लास्टर मिलता है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो सिम ट्रे का ऑप्शन अवेलेबल होता है और यहाँ पे डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा। एंड राइट साइड पे पावर की मिलता है और इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। आई थिंक ये जो है काफ़ी अच्छा एक्सेस भी कर लेता है। एंड गाइज, यहाँ पे ऊपर में वॉल्यूम रॉकर की भी देखने को मिल जाता है। एंड फाइनली बात करते हैं बॉटम साइड की, तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है और इसके अंदर सिंगल स्पीकर यूज करा गया, लेकिन जो स्पीकर का लाउडनेस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहीं पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऐसे इसके अंदर आपको रिवर्सिबल चार्जिंग भी मिलता है, 5 वाट तक का आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और गाइज, यहाँ पे ये जो है 18 वाट तक का चार्जिंग सपोर्ट करता है। और गाइज, अब बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि ये जो फोन है यहाँ पे 6.58 इंच में अवेलेबल करा गया है। तो डिस्प्ले साइज जो है थोड़ा बड़ा मिलता है, तो ये फोन जो है यहाँ पे 100 नहीं हो सकता। एंड गाइज, इसका जो रेजोल्यूशन है फुल HD+ का अवेलेबल करा गया, और साथ में यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट भी रखा गया है। तो ये फोन का जो टच रिस्पॉन्स है वो आई थिंक काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलता है। और जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा वो भी यहाँ पे गेमिंग को लेकर काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग प्रोसेसर के बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड गाइज, यहाँ पे जो ब्राइटनेस नीड्स है ना, वो आपको अप्रॉक्स 550 के आसपास देखने को मिलता है। तो आप आउटडोर में भी जा करके इस फोन को यूज करते हो तो सनलाइट के अंदर जो है काफ़ी अच्छा से परफॉर्मेंस देगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। एंड यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस बजट में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। एंड फाइनली इसके अंदर IPS पैनल यूज होता है, तो जो यहाँ पे वीडियो का आउटपुट होगा। एंड साथ में यहाँ पे वाइड 1L1 का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब कि OTT के ऊपर आप HD पे वीडियो स्ट्रीम कर पाओगे। तो यहाँ पर जो वीडियो का आउटपुट है ना, वो आपको काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे किसी भी टाइप का टिंट नहीं देखने को मिलता, नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल मेरे को पोको M4 5G के अंदर जो डिस्प्ले है, ये पार्ट मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। तो सिंपली मैं बता दूँ कि यहाँ पे 1080p पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अंदर आपको ऑटो सीन डिटेक्शन, HDR मोड और नाइट शॉट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा जो है यहाँ पे UI काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज करा गया है। एंड यहाँ पे अगर कैमरे से लिए गए कुछ पिक्चर सैंपल की बात करूँ, तो पहले तो आप पिक्चर सैंपल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे
पोको है ना, इनको सेल्फी को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहिए, क्योंकि एवरेज मैं 2-3 पोको के फ़ोन का अनबॉक्सिंग कराऊँ और मैंने देखा है कि जो सेल्फी है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉइस देखने को मिल जाता है। एंड जो रियर कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी नेचुरल देता है, एंड जो डेप्थ है ना वो भी आपको काफ़ी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप डिजिटल जूम यूज करके माइक्रो शॉट ले सकते हो और काफ़ी हद तक अच्छा पिक्चर आपको प्रोवाइड भी करता है। एंड फाइनली अभी हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में। तो ये जो फ़ोन है ना, यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर के साथ लॉन्च करा गया और जो प्रोसेसर का चिप है 7nm का रखा गया है। तो ये प्रोसेसर यूज करने के पीछे मेन मकसद रहा है कि इस फ़ोन को 5G बनाया जा सके और ये फ्यूचर प्लानिंग है। और ये फ़ोन जो है 7 बैंड के ऊपर ये काम करने वाला है, तो इन फ्यूचर कोई भी 5G बैंड लॉन्च होता है तो ये फ़ोन आपको आउटडेटेड नहीं होगा। तो जिस बजट में यहाँ पे 5G रखा गया मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पोको ने करा है। एंड गाइस यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है वो आपको 2 पॉइंट के आसपास देखने को मिल जाता है, एंड जो टाइप है वो आपको ऑक्टा कोर देखने को मिल जाता है। एंड मैं यहाँ पे अगर थोड़े गेमिंग की बात करूँ तो आई थिंक यहाँ पे मैंने BGMI को टेस्ट करा है और तकरीबन मैंने यहाँ पे आधे घंटे तक का खेला है। तो ये जो फ़ोन है यहाँ पे किसी भी टाइप का हीटिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो जो BGMI का ग्राफिक्स सेटिंग है वो नॉर्मल देखने को मिलता है। स्मूथ पे आप अल्ट्रा खेल पाओगे और साथ में बैलेंस के ऊपर भी अल्ट्रा खेल पाओगे और जो HD है इसके ऊपर आप हाई खेल पाओगे। और गाइस अब थोड़े बात कर लेते हैं इस फ़ोन के UI के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही ना काफ़ी अपग्रेड देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे MIUI 13 यूज करा गया है तो ये भी लेटेस्ट है। और ये जो सॉफ्टवेयर है बेस्ड है एंड्रॉयड टू बिल्ड के ऊपर, तो ये भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट ही देखने को मिलता है। और गाइस अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे MIUI 13 यूज करा गया तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट फीचर्स भी यूज करा गया। जैसे कि यहाँ पे आपको डार्क मोड तो देखने को मिल जाता है, लाइट मोड डार्क मोड देखने को मिलता है, यहाँ पे आई केयरिंग जैसा फीचर्स भी अवेलेबल करा गया है। एंड यहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेवर मिलता है, इसके अंदर आपको कुछ एप्लीकेशन यूज करके इस फोन का जो बैकअप है 2-3 दिन का आपको देगा, तो यहाँ पे ये भी फीचर्स काफ़ी अच्छा करा गया। एंड डिस्प्ले के अंदर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि इस फोन को आप विविड पे यूज कर सकते हो, सैचुरेशन पे यूज कर सकते हो, या फिर आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब कि अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे ये फोन जो है ना बजट वाइज काफ़ी अच्छा रखा गया, या तो फोन को आप इसके ऊपर आप कैजुअली गेमिंग भी कर सकते हो। और जो कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे रियर कैमरा काफ़ी परफेक्ट देखने को मिलता है। और ओवरऑल इस फोन का जो डिज़ाइन है ना ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रखा गया। तो आई थिंक आप सभी को इस फोन का जो डिज़ाइन फीचर्स वीचर्स सारा कुछ पसंद आया होगा। एंड आपको नहीं भी पसंद आया तो नीचे आप कमेंट कर देना, एंड वीडियो पर पहली बार हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नया वीडियो में नया अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।